बिजनेस साहब गुड मॉर्निंग। नया हफ्ता पिछला हफ्ता काफ़ी शानदार था और बाजार ने न केवल 48,000 बैंक निफ्टी को दिया, 21,000 के ऊपर हमको निफ्टी भी मिल रहा है। सर अभी क्या करना चाहिए, नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है। हाँ गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको प्रियंका और अजय को। प्रियंका मिसिंग थी एक्शन से और मुझे लगता है उसके आने से बाजार में और रौनक आनी चाहिए, क्योंकि अब अच्छी सूरतों की भी जरूरत है। हमारी तो बातें सुनते हैं, लेकिन क्या क्या माहौल है सर, क्या ईयर एंड हो रहा है, क्या क्रिसमस हो रही है, क्या दिवाली हुई है, इससे ज्यादा क्या मांग सकते हो। 21,000 तो सघन का नंबर है, आपने तो 500 और ऐड कर दिए। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा सेक्टोरल रोटेशन, आईपीओ में बड़ी भीड़ लगी है, वहां पे पैसा बनाने का मौका। मगर मैं सोचता हूँ स्टॉक रोटेशन में आपको जो अर्स्टवाइल एक्सट्रीम ओवरबॉट है उनमें प्रॉफिट बुक कीजिए, और जहां वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है वहां लीजिए। तो कांस्टेंट एंडेवर रहेगा, थोड़ा सा अपना पोर्टफोलियो को हेज भी कीजिए। प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट बैड ओवर हियर डिम्पी, बिकॉज यू कैन राइज अनदर 200 पॉइंट्स, बट इतनी राइज के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में अनिवार्य है। इट विल बी हेल्दी फॉर द मार्केट। तो आज मैं आपके लिए एक आईपीओ सजेस्ट करूंगा, एनएससी आईपीओ एसएमई का, और कॉल्स हैं जो मेरे को बहुत पसंद है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। ठीक है संजीव जी, फिर बताइए उस आईपीओ के बारे में बताइए और शेयर्स भी बताइए। तो देखिए एनएससी एसएमई हैज बीन अ ह्यूज आउट परफॉर्मर। हमारी बातचीत हुई इस नए आईपीओ इलेक्ट्रोफोर्स, और ये एक बहुत ही यूनिक है। इलेक्ट्रोफोर्स हैज नील डेट, इट हैज रिटन डाउन ऑल इट्स एसेट्स। 18 करोड़ की इक्विटी है और 80 करोड़ की ऑफरिंग है। इट हैड अ टर्नओवर ऑफ 40 करोड़ दिस ईयर, और अगले साल वो 125 से 140 करोड़ की टर्नओवर करेंगे। 8 करोड़ के 10 करोड़ 16 करोड़ का प्रॉफिट आपको अब 35 करोड़ का हो जाएगा। तो 6 times 1 year फॉरवर्ड 93 पे इट्स अ श्योर शॉट। 37% इसका एबिटा है मार्जिन और 30% नेट प्रॉफिट। इट इज अ B2B प्लेयर एंड सप्लाइज मैक्सिमम टू सीमेंस एंड श्नाइडर द लाइक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, और जो आपके स्विच गियर्स और इलेक्ट्रिकल्स हैं वहां पे सबसे बड़ा प्लेयर है। तो आई थिंक के यू नो इसमें और भी बता दूं कि ऑफर फॉर सेल में मैनेजमेंट हैज पार्टेड विद सम ऑफ इट्स इक्विटी। 22 करोड़ उनको जाएगा, 55 करोड़ विल बी यूज्ड फॉर वर्किंग कैपिटल। इलेक्ट्रोफोर्स इज वन स्टॉक विच यू मस्ट पुट योर मनी इन, और ये शेयर मैं आपको दावे से कहता हूँ एक साल में या उससे पहले ही आपको 50-70% अपसाइड देगा। तो एसएमई मार्केट इज हॉट, वहां पे मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखती है, और ये इलेक्ट्रोफोर्स इज अ मस्ट सब्सक्राइब। इसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस, आपको थोड़ा रिस्क लेना है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस टू एंटर दिस प्राइस दिस आईपीओ। अच्छा लिस्टेड में, लिस्टेड साइड ऑफ द मार्केट में क्या पसंद आ रहा है आपको इस समय वसीन साहब? गुड मॉर्निंग अजय, मुझे IRCTC बहुत पसंद है, आपने देखा है उनको। अब असाइड फ्रॉम रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स, मर्चेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए। यू नो दैट ताज केटरिंग इज द बिगेस्ट मर्चेंट कॉन्ट्रैक्टर, एंड नाउ IRCTC इज गोइंग टू टेक इनटू दैट मार्केट शेयर। इस बिजनेस में द स्केलेबिलिटी इज इमेंस। IRCTC हैज 85% एबिटा मार्जिन ऑन टिकट बुकिंग, जिसमें अब वंदे भारत आ गई। 36% ऑन नीर, इट हैज 82% मार्केट शेयर ऑफ द वाटर मार्केट, एंड 16% ऑन केटरिंग, और केटरिंग विल ऐड टू देयर वॉल्यूम एंड रेवेन्यू। इस जैसा बिजनेस हो ही नहीं सकता इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और आप देख सकते हैं फ्रॉम रेल ट्रैवल टू केटरिंग, आज की डेट में द चॉइस इज ऑफ हैविंग क्वालिटी। और मुझे लगता है IRCTC शॉर्ट टर्म में 835, लेकिन अगर आप इसको 6 महीने रखें तो इलेक्शन से पहले 1,000 रुपए का भाव दिखता है। दूसरा मेरा पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कल ब्रेकआउट दिया है, 740 में लीजिए, 720 का स्टॉप, 620 सॉरी मेरे मुंह से ही भगवान ने निकाल दिया 700, तो 720 का टारगेट आएगा, 620 का स्टॉप लॉस, और 640 पे लीजिए। तो इलेक्ट्रोफोर्स इन द एसएमई, IRCTC एंड स्टेट बैंक इन द सेकेंडरी मार्केट। राइट वसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और अपने स्टॉक पिक्स हमसे शेयर करने के लिए। प्रशांत, अविनाश, आयुष, सोनी पटनायक भी हमारे साथ बने हुई हैं, और प्रशांत के पास चलते हैं। प्रशांत सावंत, ये SW सोलर, वसीन साहब का ही पुराना काउंटर है, SW सोलर में काफ़ी अच्छे ब्लॉक्स नज़र आए हमें फ्राइडे को। ये एक अगर हम देखें तो नीचे के लेवल से उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया जितना आइनॉक्स और सुजलॉन किया है। अगर हम उसके चार्ट्स को तीनों को एक बार देखें, प्लूटस वेल्थ का नाम आया इस बार, आप इस भाव पे दिखता है, आपको लगता है यहां से पैसा बन सकता है 411?
जी अजय जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू द व्यूअर्स। जहां तक मुझे नजर आ रहा है, ये एक एक्युमुलेशन के लिए अच्छा लेवल है, करीबन ये जो करंट प्राइस है 410 से लेके 400 के जोन में, और 380 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ से ये फर्स्ट टारगेट जो है वो करीबन 450 460 के लेवल काफी कंफर्टेबल दिखा सकता है। सो राइट लेवल टू एक्युमुलेट एंड होल्ड स्टॉप लॉस एट 380 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। आपके स्टॉक पिक्स क्या है? जी सॉरी अजय जी, मैं सुन नहीं पाया। प्रशांत, आपके स्पेसिफिक ट्रेडिंग आइडियाज आज के, वो भी शेयर कर लीजिए। जी बिल्कुल अजय जी, पिछले सोमवार को मैंने मॉर्गन लैब्स रेकमेंड किया था 42 पे, जिसने पिछले हफ्ते ही करीबन ऑलमोस्ट 14% रिटर्न दिए। मैं उस ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहूंगा, तो मेरा फर्स्ट पिक वही होगा मॉर्गन लैब्स। अभी की जो प्राइस है वो करीबन 47 है, स्टॉप लॉस मेरा होगा 42 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, तो स्टॉप लॉस को ऊपर करेंगे, टारगेट होगा 55 से लेके 58 के जोन तक। ये पोजिशनल ट्रेड होगा तो इसको कैरी करना चाहिए। अभी जो आपके इनिशियल बाय थे, आपका स्टॉप लॉस उसके ऊपर आ चुका है, तो मुझे लग रहा है आप एग्रेसिवली ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट पिक मेरा होगा पेपर सेगमेंट से यश पक्का। यहाँ पे एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा मेरा 228 अब 228 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस, जो टारगेट में वो 275 से लेके 285 275 टू 285 होगा। जिसे डिस्कस करना यहाँ जरूरी भी है वो है फेडरल बैंक, क्योंकि एक मैनेजमेंट मीट हुई और कई सारे कंक्लूड सामने निकल कर आए। इनफैक्ट अजय, नोमरा को नोट भी है इस पे, लेकिन जिस तरह की गाइडेंस वो दे रहे हैं और सीवी सेगमेंट के लिए, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस एमएफआई सेगमेंट के लिए, वो जिस तरह की फास्टर ग्रोथ बता रहे हैं लोअर बेस पे, आप कैसे असेस कर रहे हैं सबको? देखिए, ये जो फेडरल बैंक है, श्याम साहब की लीडरशिप में बहुत शानदार कर रहा है, और मैं आपको बता दूं 20% की ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दी है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट की गाइडेंस दी है। फेडरल बैंक को ना अभी भी परसेप्शन वाइज लोग समझते हैं सिर्फ साउथ बेस्ड बैंक है, बट ये नेशनल बैंक है एक्चुअली, और ये धीरे धीरे इस बात को और ज़्यादा फैलाने वाले हैं। तो 1.4% तक आरओए को एक्सपैंड करेंगे, जहां एक्सपैंड करेगा आरओए वहां प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। 20% ये गाइडेंस दी है, और ये भी बताया है कि कैसे वो अपने लोन मिक्स को, जैसे आपने बताया सीवी की साइड, एमएसएमई की साइड, हाउसिंग की साइड, इन सारे चीज़ों में करके अपने लोन बुक को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसमें आपने एक बात और भी ध्यान दी होगी, करीब 175 के आसपास का टारगेट था, अब उन्होंने 182 कर दिया। मुझे कोई अचंभा नहीं होगा अगर स्टॉक 20% तरफ जाएगा, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट कमेंट्री है, ब्रोकरेजेस उस एनालिस्ट मीट के बाद काफ़ी पॉजिटिव होकर बाहर आए। इनफैक्ट अविनाश गोरखशकर भी जुड़े, मैं उनसे बात कर लेता हूँ फेडरल बैंक पर। अविनाश, फेडरल बैंक 155 के आसपास 57 पर ट्रेड कर रहा है इस समय, मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत शानदार आई है, ब्रोकिंग कम्युनिटी को पसंद आ रही है, इस भाव से इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, इफ नॉट शॉर्ट टर्म ट्रेड? या गुड मॉर्निंग अजय, देखिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अभी करंट वैल्यू पे भी हमको लग रहा है कि अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, क्योंकि करंटली जैसे आपने कहा कि ये साउथ बेस्ड फोकस बैंक बिल्कुल नहीं है, पैन इंडिया ऑपरेशंस है, प्लस इनका जो ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर है वो भी काफी पॉजिटिव है। अगर हम एसेट क्वालिटी देखे, लोन डिसबर्समेंट देखे, ऑब्वियसली क्रेडिट प्रोविजनिंग का रेशियो भी देखे, तो हर पैमाने पे डेफिनेटली एक ग्रोथ ओरिएंटेड काइंड ऑफ बैंक है। मेरे ख्याल से बेस भी अभी काफी छोटा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इसमें इवन करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो अगले 1.5 साल के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में यू नो इंप्रूवमेंट आएगी, आई थिंक क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग रहेगा, तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली एक ग्रोइंग ओरिएंटेड बैंक जैसे फेडरल बैंक को भी आना चाहिए। इनकी सब्सिडरी अभी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज भी लिस्ट हो चुकी है, तो ये भी थोड़ा बहुत एक रब ऑफ इफेक्ट इनको मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यू अनलॉकिंग तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन वहां पे भी ग्रोथ नंबर्स जो आएंगे अगले 3-4 क्वार्टर के लिए वो भी काफी स्ट्रांग रहेंगे। तो आई थिंक ऑल सेड एंड डन दिस कैन बी अ गुड बैंक फॉर अ पोर्टफोलियो काइंड ऑफ इंक्लूजन, बट नजरिया कम से कम यू नो 1.5-2 साल का रखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस लेवल से स्टॉक में अभी भी काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी स्ट्रांग यहाँ से दिखती है, 20% तक का अपसाइड आपको यहाँ दिखता है, नोमुरा ने भी जो टारगेट दिया और अविनाश भी उसे बताते हुए। कुछ और स्टॉक्स